आजकल आपने इंटरमीटेंट फास्टिंग नाम का वर्ड कई बार सुना होगा इंटरनेट पे सोशल मीडिया पे कि आजकल इसका काफ़ी यूज़ हो रहा है तो इस वीडियो में हम आंसर्स करेंगे कि व्हाट इज़ इंटरमीटेंट फास्टिंग हाउ इट वर्क्स क्या इसके पैटर्न होते हैं कैसे इसको करना चाहिए बेनिफिट्स किन पेशेंट में ये एडवाइजेबल नहीं है साइड इफेक्ट्स ऑफ इंटरमीडियंट फास्टिंग और स्पेशल प्रिकॉशंस क्या लेने हैं आपने तो स्टार्टिंग विद व्हाट इज इंटरमीडियंट फास्टिंग तो जैसे नेम सजेस्ट करता है कि इसमें कुछ ऐसा टाइम पीरियड होता है जब आप कोई कैलरी इंटेक नहीं लेते हैं तो वो है इंटरमीडियंट फास्टिंग अब ये वर्क कैसे करता है कैसे ये काम करता है तो ये एक तरह से एक मेटाबॉलिक रिप्रोग्रामिंग होती है जिसमें कि अगर हम एज ह्यूमन बीइंग कोई फूड uh, इंटेक नहीं ले रहे कोई कैलरी इंटेक नहीं ले रहे तो क्या होगा कि जो हमारा सोर्स है फ्यूल का वो चेंज हो जाएगा नॉर्मली जो सोर्स होता है फ्यूल का वो ग्लूकोज होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट uh, से आता है डाइट में तो सोर्स ऑफ फ्यूल चेंज फ्रॉम ग्लूकोज टू फैट तो अब ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ फास्टिंग तो जो फैट है वो बर्न होना शुरू हो जाएगा ताकि बॉडी में एनर्जी का सोर्स मेंटेन रहे क्योंकि हमारे ब्रेन में तो हमेशा uh, एनर्जी चाहिए अगर लंबे टाइम तक फास्टिंग है तो हमारे ब्रेन को कोई ना कोई सोर्स फ्यूल का चाहिए होता है तो अगर ग्लूकोज नहीं मिल रहा है तो फैट बर्न होके कीटोन बॉडीज बनाते हैं एंड दैट एक्ट एज सोर्स ऑफ द फ्यूल टू द ब्रेन तो अब इसके पैटर्न्स क्या क्या होते हैं इंटरमीडियन फास्टिंग के तो पहला पैटर्न हो सकता है ऑल्टरनेट डे फास्टिंग ऑल्टरनेट डे फास्टिंग का मतलब है कि एक दिन नॉर्मल uh, फूड लेना है और एक दिन जीरो कैलोरी इनटेक लेना है दूसरा पैटर्न हो सकता है ऑल्टरनेट डेज मॉडिफाइड फास्टिंग मॉडिफाइड फास्टिंग का मतलब है कि एक दिन जब आप नॉर्मल डाइट ले रहे हो तो अगले दिन आपको 25 फाइव परसेंट कैलरी इनटेक रखना है तीसरा पैटर्न है टाइम रिस्ट्रिक्टेड फास्टिंग जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है तो टाइम रिस्ट्रिक्टेड फास्टिंग में क्या होता है कि चौबीस घंटे में से से कुछ पर्टिकुलर आवर्स के बीच में ही खाना खाना है और बाकी हमने फास्टिंग रहना है कोई कैलोरी का इंटेक नहीं लेना है जैसे कि एट आवर्स का विंडो पीरियड होगा जब हमने खाना लेना है और सिक्सटीन आवर्स की फास्टिंग हो जाएगी तो उस फास्टिंग के टाइम पे फैट बर्न होना शुरू हो जाएगा चौथा पैटर्न होता है प्रियोडिक फास्टिंग तो प्रियोडिक फास्टिंग है जैसे कि एक या दो दिन इन अ वीक फास्टिंग स्टेट तो ये है पैटर्न इंटरमीडियंट फास्टिंग के अब आते हैं इंटरमीडियंट फास्टिंग के बेनिफिट्स क्या हैं तो ब्रेन में जब कीटोन बॉडीज आती हैं फ्यूल प्रोवाइड करने के लिए तो स्टडी से यह देखा गया है कि इससे मेमोरी बूस्ट होती है, है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे बीपी कंट्रोल रहता है हार्ट रेट कंट्रोल रहता है डायबिटीज रिलेटेड इससे इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होता है और इंसुलिन अपना वर्क अच्छे से करना शुरू कर देता है और वेट लॉस से भी डायबिटीज हो कंट्रोल होता है अब कलेस्ट्रोल पे कलेस्ट्रोल पे एक कलेस्ट्रॉल होता है एल डी एल जो कि बैड कलेस्ट्रॉल कहते हैं वो इंटरमीटेंट फास्टिंग से रिड्यूस होगा ऑल्सो कुछ हमारी बॉडी में आ, फैट होते हैं जो कि इंटरमीटेंट फास्टिंग से कम हो जाएंगे जिसमें से एक फैट है लेप्टिन लेप्टिन एक टॉक्सिक फैट है ये एक प्रो इन्फ्लमेटरी फैट है बॉडी में इन्फ्लेमेशन को बढ़ावा देता है जो आगे जाके स्ट्रोक का रिस्क और हार्ट अटैक का रिस्क हो सकता है तो इंटरमीडेंट फास्टिंग से लेप्टिन का लेवल डिक्रीज़ होता है और जो एंटी इन्फ्लेमेटरी फैट है जैसे कि एडिपोनेक्टिन उसका लेवल बढ़ जाता है कुछ स्टडी में ये भी प्रूव हुआ है कि ये एक एंटी कार्सिनोजेनिक काम करता है यानी कि कैंसर के रिस्क को कम कर सकता है इंटरमीडेंट फास्टिंग अब आते हैं कि किन पॉपुलेशन में और किस पेशेंट्स uh, में ये नहीं करना चाहिए तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर एज 18 साल से कम है तो इंटरमीडियंट फास्टिंग इज़ नॉट एडवाइजेबल इंटरमीडियंट फास्टिंग इज़ नॉट एडवाइजेबल इन प्रेगनेंसी ड्यूरिंग लैक्टेशन या फिर कोई ईटिंग uh, डिसऑर्डर है या पेशेंट को टाइप वन डायबिटीज़ है तो वी विल नॉट रिकमेंड इन दीज इंडिविजुअल्स की वो इंटरमीडेंट फास्टिंग के लिए जाए इट शुड बी अवॉइडेड। स्पेशल प्रिकॉशंस क्या हैं स्पेशल प्रिकॉशंस हैं डायबिटीज पेशेंट्स में तो uh, अगर कोई पेशेंट इंसुलिन ले रहा है तो उसको इंटरमीडेंट फास्टिंग नहीं करनी चाहिए और अगर करनी है तो अपने डॉक्टर के कॉन्स्टेंट सुपरविजन में ही करनी है क्योंकि इंसुलिन वर्क करेगा स्पेशली लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन और अगर इंटरमीडियंट फास्टिंग है तो लो no शुगर्स का रिस्क बढ़ जाएगा लो शुगर कितना डेंजरस है ये आप पुराने वीडियोज़ में देख सकते हैं इस चैनल के या फिर पेशेंट कोई सल्फोनिल यूरिया नाम की मेडिसन्स ले रहे हैं जिसमें कि कॉमन ड्रग्स हैं जैसे कि ग्लिप्रिजाइड और ग्लिमिपराइड तो उनको इंटरमीडियंट फास्टिंग नहीं करनी है साइड इफ़ेक्ट्स साइड इफ़ेक्ट्स इंटरमीडियन फास्टिंग के हो सकते हैं कि वाइटामिन या मिनरल्स की डेफिशिएंसीज हो सकती हैं तो इसीलिए न्यूट्रीशन प्रॉपर इसमें होना चाहिए आपने अपने डाइटिशियन को कंसल्ट करके ही इंटरमीडियट फास्टिंग शुरू करनी है और साइड इफ़ेक्ट्स हैं हेडेक होना नोज़िया आना या इरिटेबिलिटी बढ़ जाना क्योंकि बीच में भूख लगेगी जो लंबा गैप हो रहा है फास्टिंग का उसमें भूख लगेगी तो पेशेंट की इरिटेशन बढ़ जाती है लेकिन ये जो साइड इफेक्ट्स हैं जैसे कि हेडेक हो गया वॉमिटिंग सेंसेशन हो गई बहुत ज़्यादा भूख लगना इरिटेबिलिटी ये देखा गया है कि वन मंथ के अंदर डिसअपियर हो जाते हैं तो ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इंटरमीटेंट फास्टिंग के तो आप प्रॉपर डिसीजन इंटरमीटेंट फास्टिंग का लीजिए लेकिन अपने डॉक्टर और डाइटिशियन से मिलके। अगर फर्दर और आपके कोई क्वेश्चन हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं थैंक यू